केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बिलासपुर में आयोजित हो रहे शरद उत्सव में दुर्गा पूजन किया। उन्होंने बिलासपुर वासियों को शरद उत्सव व अष्टमी नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को गोविंद सागर में भव्य शोभा यात्रा के साथ गोविंद सागर झील में माँ की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के निजी प्रवक्ता ने बताया कि 19 सितंबर को इस शोभा यात्रा में वे शामिल होंगे। सायं काल के दौरान केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर पहुंचेंगे। दुर्गा पूजा समिति बिलासपुर के द्वारा ये 17वां नवरात्र दुर्गा शारदीय दुर्गा उत्सव का आयोजन धौलरे के प्रांगण में किया जा रहा है। आज अष्टमी है और इसके उपरांत नवमी और दशहरा, दो दिन के पश्चात माँ भगवती माँ दुर्गा का विसर्जन यात्रा दशहरा के दिन आयोजित है। मैं आज इस मंच से दुर्गा पूजा समिति की ओर से सभी बिलासपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की देना चाहूँगी और सभी बिलासपुर वासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो आज और कल इस शारदीय दुर्गा उत्सव का आनंद ले। शारदीय दुर्गा उत्सव के आरती और शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हो और विसर्जन की शोभा यात्रा जो 19 तारीख को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी उसमें अवश्य ही शामिल होकर इस शारदीय नवरात्र के दुर्गा उत्सव के महत्व को और आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि बिलासपुर में स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल धौलरा में 17 वर्ष पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा व उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा के द्वारा ये उत्सव आरंभ किया गया था। 10 दिवसीय शरद उत्सव में इस बार दुर्गा माँ पूजन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम व विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। शरद उत्सव में दुर्गा पूजन में शामिल होने दूर दूर से श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने भी पहुंचे। दिन के समय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के अलावा रात्रि काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतिदिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। शरद उत्सव में भाग लेने वाले श्रद्धालु व प्रतिभागियों के लिए आयोजन समिति ने भोजन की व्यवस्था भी की थी।